बेटा देखो यहाँ हमारा बिल्ला कितना बड़ा हो गया है, ये थोड़ा मोटा भी हो गया है, बहुत खुश है आजकल। बॉस, पापा, बॉस का कॉल आ रहा है, बाद में कॉल करता हूँ। चलो ठीक है बेटा। हेलो बॉस, ध्यान से सुनो, आज एक कस्टमर आएगा, तुम्हें उसे खुश करना है। लेकिन बॉस आज तो मेरी छुट्टी है ना। ओ लखा, तुम मेरे सबसे प्यारे एम्प्लॉई हो, ये काम तो मैं और नहीं कर सकता। आज के दिन मुझ पर एक एहसान करो, सिर्फ एक बार के लिए। काबिल तो मैं हूँ, ठीक है मैं उन्हें बहुत अच्छा टूर दूंगा। पाइन ट्री माउंटेन में आपका स्वागत है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, जरा गौर से देखिए, सर्दियों में और खूबसूरत लगता है। ठीक ठाक ही लग रहा है, कुछ नया दिखाओ, मैंने इसे पहले भी देखा हुआ है। और मेरा नाम है रमेश। ये देखिए कितनी प्यारी नदी है, ये पेड़ सदियों पुराना है, और इस बर्फ की चादर में आप गुम हो जाएंगे, कितना सुंदर है। क्या और कुछ है लखा? और कुछ से आपका क्या मतलब है? आप बताइए, आप आखिर देखना क्या चाहते हैं? देखो मेरी बूढ़ी हड्डियाँ कुछ खतरनाक करना चाहती है, कुछ एडवेंचरस, मुझे खलनायक चाहिए, कुछ खतरनाक जंगली जानवर। तुम्हारे पास ये सब है? मेहमानों को खतरे में नहीं डाल सकते, चलिए भी, ये सब बहुत खतरनाक है। ठीक है मैं आपके लिए कुछ ढूंढता हूँ। ऐसी जगह पे तो मैं जाना चाहता हूँ। आप पागल है, उस जगह पे जाना मना है, वहाँ रास्ते फिसलनदार हैं, वहाँ जंगली जानवर हैं, और वहाँ बाथरूम भी नहीं है। सुनने में अच्छा है, मुझे वहाँ ले चलो। ओ लखा, तुम्हारे बॉस को बताऊँ क्या? नहीं, सेफ्टी फर्स्ट रमेश जी, वहाँ गए तो वापस नहीं लौट पाएंगे। तो मैं अकेले जाऊंगा। अरे रमेश जी यहाँ वापस आइए, आज बॉस का बर्थडे है, देखो मैं क्या लाया, इससे उनके पंजे नुकीले हो जाएंगे। तुम उनके लिए क्या लाए हो? ओए मैंने तो उनके लिए नेकलेस बनाया है, बॉस तो पहन के कतई खूबसूरत लगेंगे। नेकलेस? तुम उनके लिए गहने लाए हो? जादुई पत्थर मिल गया। हाँ। बच्चे की जान ले। अरे ये तो भरमचंद है। मेरा नाम करमचंद है, वो पत्थर मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कौन सा पत्थर भाई? वो नेकलेस मुझे दो बेवकूफ कही के। तुम्हें ये क्यों चाहिए? तो मतलब ये पत्थर बहुत ही कीमती है। ओ क्या बात है, बॉस तो खुशी से पागल हो जाएंगे। मैंने एक बार बोल दिया, अब दोबारा नहीं बोलूंगा। ये लो। भाग रहे, तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते, अलग हो जाओ। परम खान, ये तो हमारा पीछा भी नहीं कर सकता। मेरे कपड़े, इन सियारों को मैं छोड़ूंगा नहीं। बेवकूफों, वापस आओ। इस जगह को देखिए मुझे हमेशा डर लगता है, हमें वापस जाना चाहिए। तुम बहुत डरपोक हो, आसपास देखो कितनी सुंदर जगह है। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ, रुक जाइए रमेश जी, वहाँ एक छत्ता है। मधुमक्खी का छत्ता? मैंने कभी इतना बड़ा छत्ता नहीं देखा। ये कितनी बड़ी घाटी है, मैंने इसे पहले नहीं देखा। रमेश जी नहीं, मुझे मेरी आवाज यहाँ फिर से सुनाई देगी। शांत रहिए, बेवकूफी मत कीजिए, आवाज से तूफान आ सकता है। देखा, कुछ नहीं हुआ ना, चिल्लाना बहुत अच्छा होता है। रमेश जी, चलिए रमेश जी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आप काफी भारी हैं, मेरे पीठ। गर्म पानी के फव्वारे, गर्म पानी के झरने भी होंगे यहाँ। कमल के? ये तो मजेदार था। रमेश जी, किस्मत से बच गए आप। यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए था, जल्दी ही मैं यहाँ की चीजों को अपनी लिस्ट के साथ मिला करके देखूंगा। रमेश जी अब हमें चलना चाहिए। इतनी जल्दी? हाँ अभी क्या अभी। हाँ, आप खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? अब कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ। क्या ये क्या, रमेश जी? वो क्या है? मास्टर, क्या हम ड्रीम टीम हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओ,
ये तो करमचंद है। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो बहुत बुरा है, वो हमारी लाइफ का खलनायक है। खलनायक? देखो खलनायक, देखो मेरी लिस्ट में खलनायक का नाम भी है। रमेश जी जरा संभल के पता कीजिए वो क्या कर रहा है। मैं बैकअप लेकर आता हूँ। ठीक है। हाँ? अरे भैया बचाओ, मर गया। वो जानवरों का शिकार कर रहा है, मुझे शिकारियों से नफरत है। रमेश जी रुकिए। मुझे वो पत्थर वापस दो। नहीं, ये गिफ्ट हमारे बॉस के लिए है। मास्टर इसे जबरदस्ती लेते हैं। पीछे हटो, इन्हें परेशान करने की हिम्मत भी मत करना। तुम कौन हो? सामने से हटो। हट जाओ। मुझे डराओ मत, तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने। रास्ते से हटो बुड्ढे। क्या मुसीबत है, अब मैं क्या करूं? तुम चाहते क्या हो? हाँ? रमेश जी बुरों के लिए मैं बहुत बुरा हूँ। रमेश जी ओ। अब क्या करोगे तुम? हाँ वो सियार कहाँ गए? ठीक है। इन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, कोई पुलिस को बुलाओ, मेरी मदद करो। ये रिपोर्ट करने की बात कर रहा है। अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। ओ भाई बाल बाल बच गए। ए प्यारे दोस्तों क्या तुम ठीक हो? खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। ये बुढ़ऊ क्या कह रहे हैं? मुझसे डरो मत, मैं तुम दोनों का दोस्त हूँ। मैं लड़ाई नहीं करता, बस नए दोस्त बनाना चाहता हूँ। आराम से ये खाने को चाहिए तुम्हें? मेरे पास बहुत सारी हैं। रमेश जी खाओ। आप ठीक तो हैं? करमचंद इस पत्थर के पीछे आया था। हाँ? अगर उसे सारे पत्थर मिल गए तो वो इस जंगल को तबाह कर देगा। तो क्या बॉस को अब भी पसंद आएगा? शायद नहीं, उनके लिए और अच्छा तोहफा ढूंढ के लाना होगा। रमेश जी अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसे संभाल के रखता हूँ। चलिए भी रमेश जी। क्या हम यहाँ थोड़ा और नहीं रुक सकते? बिल्कुल नहीं, हमें इस पत्थर को सुरक्षित रखना होगा। हाँ? कैसे हो दोस्तों, हम दोबारा मिल गए। सुनो मुझे पता है पत्थर तुम्हारे पास है। भागिए। अरे नहीं। ये क्या है, मुझे इससे बाहर निकालो। पता था ये वापस आएगा। हे करमचंद पत्थर मेरे पास है। निशानेबाजी। ये क्या हो रहा है रमेश जी? तुम मुझे बाद में भी शुक्रिया कह सकते हो लखा। चलो इन्हें सबक सिखाते हैं पहले। बच के दिखाओ। ये मधुमक्खियां कहां से आ गई? उनसे दूर हटो। चलो लखा मेरे पीछे आओ। वो लोग चले गए, शायद वो उधर गए। वो पत्थर यही है, अपनी आंखें खुली रखो। हमारा सिस्टम खराब हो रहे हैं। चलिए मास्टर रुको, भागो मत तुम लोग। वो पत्थर मुझे दे दो। ये लो। रमेश जी आप ठीक हैं? मेरे दांत कहाँ गए? यहाँ से चलते हैं। वो कहाँ गए?
वो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? आज से पहले तो वो दोनों मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूले। मुझे जाकर देखना चाहिए। कौन है वहाँ? ये क्या बला है? ओ बॉस, तो इसे देखकर बहुत खुश होंगे। मुझे तो पता है कि उनको यही चाहिए था। ओ बॉस, हैप्पी बर्थडे। देखो हम आपके लिए क्या लेके आए। ओ बॉस को क्या हो गया? पेट खराब है क्या? चलो अभी, तुम तो एक बूढ़े आदमी की तरह काम कर रहे हो। हमें वापस जाना है। मैं उस विज्ञानी को मजा चखाने ही वाला था। बस भी कीजिए रमेश जी, बस यही शुक्र मनाइए कि आपको चोट नहीं आई। हाँ, ये क्या हुआ है? ऐसा लगता है किसी ने चबाया है। मुझे लगता है ये वेयरवुल्फ्स का काम है। हाय, हेलो रमेश जी, क्या आप मुझे? कॉल कट गई, कोई सिग्नल नहीं है। अक्सर होता है, नेटवर्क चला जाता है कभी कभी। और रही बात वेयरवुल्फ्स की, वो असली में नहीं होते। तुम तो अभी कह रहे थे कि वेयरवुल्फ्स नहीं होते। मुझे लगता है कि आवाज इस तरफ से आई है। ऐसे मत भागिए, वापस आइए। खिलौने तो सबको पसंद आते हैं बॉस, अगर आपको नहीं पसंद आए तो हम दूसरा ले आएंगे। चले जाओ, कुछ गड़बड़ है। रमेश जी, डरने की क्या बात जब रमेश हो साथ। जल्दी छुप जाओ। यारी बिल्ली, नाराज मत हो। उसे हुआ क्या? वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? आओ, 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 आओ। ये लखा जानवरों से बात कर सकता है? ये तो कमाल की बात है। अच्छा, उसके दांत थोड़े अजीब तो लग रहे थे, है ना? अरे अरे, लगता है वो मेरे ही दांत हैं। एक जोड़ी दांत मैं पहले ही खो चुका हूँ। क्या आपके दांत? एक मिनट रुकिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें निकलना होगा रमेश जी। अंधेरा होने वाला है, यहाँ रहना ठीक नहीं। डरपोक कहीं के, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला अभी। मुझे उस तेंदुए को पकड़ना ही होगा। रमेश जी, आप कितने जिद्दी हैं। चलिए भी। मुझे नहीं जाना है, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। रमेश जी, अरे नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ये क्या है? ये मेरा है। रमेश जी, वो क्या है? मुझे रिपोर्ट जैसा कुछ दिखा। क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे? आप ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे कैंसर है। मरने से पहले मैं जो कुछ करना चाहता हूँ उसी चीज की ये लिस्ट है। कैंसर? बाप रे, मुझे याद है जब मुझे पता चला था। मैं बहुत दुखी था क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे काम करने थे जो मैंने अब तक नहीं किए थे। रमेश जी, देखो ऐसा है कि मुझे ये लिस्ट खत्म करनी है। मैं ठीक हूँ, थोड़े ही काम बचे हैं। जल्दी छुप जाओ। करमचंद यहाँ वापस क्यों आया है? कम से कम पत्थर तो मेरे पास है। हाँ, एक मिनट। अरे नहीं, मेरे पास नहीं है। चलो उसका पीछा करते हैं। लगता है स्टेटुए के पास जादुई पत्थर है। चलो खेल शुरू करते हैं। तुम दोनों फिर से हमारे बॉस से दूर रहो। अरे नहीं। दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? लखा देखो, उसके दांत, उसने मेरे दांतों को अपने मुंह में लगा लिया है। वो
पत्थर जरूर उन दांतों में होगा। तुम्हारा डेंटिस्ट हूँ। ये तेंदुआ अजीब हरकतें कर रहा है, जरूर उस पत्थर की वजह से। ये तो कुछ ज्यादा ताकत पर है। मास्टर, वो कांच तोड़ रहा है, उसे रोकना होगा। कमाल कर दिया बॉस, अब उस दांत को निकालते हैं। रुको, वो अभी भी खतरनाक है। अरे बॉस, बॉस, अरे सुनो तो बॉस। भागो मत, हमें सोच समझ के कुछ प्लान करना होगा। प्लान? इन दांतों को मैं कैसे बाहर निकालूं? बॉस, सब आ रहे हैं। सब लोग अपनी जगह पे चले जाओ, बॉस हम आपको बचा लेंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी करो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। बहुत खूब दोस्तों, चलो शुरू करते हैं, उसे पकड़ कर रखना। बहुत अच्छा दोस्तों, अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जल्दी करो। सही कहा, मुझे अपने दांतों को खुद ही निकालना पड़ेगा, वो बहुत कीमती है। करमचंद, मुझे मिस किया क्या? वो पत्थर मेरा है। बस बहुत हो गया। आ जाओ दोस्तों। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जल्दी दोस्तों, जल्दी ऊपर चढ़ो और इस बॉक्स को उसके जहाज से अलग कर दो। हैया, 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 हैया। उन्होंने कल खाया। उसे बाहर निकालो। बचाओ रे, डर लग रहा है, बचाओ। आज पीछे लगा हुआ है, परेशान कर दिया। जीत हमारे सामने है। बदमाश कहीं के, वहीं रुको। बॉस, आप ठीक हैं? रुक जाओ, छोड़ो मुझे। पत्थर ठीक है, मेरे पास आओ। चलो आखिरकार मुझे मिल ही गया। बदमाश कहीं के, वो आ रहे हैं। मदद के लिए शुक्रिया दादाजी, जल्द ही मिलते हैं। ये बदमाश हमसे बच के निकल कैसे गया? कोई बात नहीं, किसी को चोट नहीं आई। बचाने के लिए बहुत शुक्रिया, मैं और मेरा जंगल बहुत आभारी रहेगा तुम्हारा। मेरी बची हुई ख्वाहिशों को पूरा कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया। मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग जरूर दूंगा। शुक्रिया रमेश जी, उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी जरूर मिलेंगे। ये यादगार रहेगा। हेलो रमेश जी, मैं आपका डॉक्टर बोल रहा हूँ। मैं आपको काफी देर से फोन लगा रहा हूँ। अच्छा, तो आप बात कर रहे हो ना, मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है, आपको जो टेस्ट रिजल्ट्स मिला वो बिल्कुल गलत है, मुझसे गलती हो गई, आपको कैंसर नहीं है। सच में? बहुत खुशी की बात है। ये तो खुशी की बात है। चलिए, हाँ अब तो पार्टी बनती है। मेरी तरफ से, आप रो क्यों रहे हैं? ये खुशी के आंसू है।
सुनो भाई, तुम्हें क्या लगता है कि लक्का ने जो कहा वो सही था? क्या जंगल में सच में कोई शिकारी है? फिलहाल तो पता नहीं, पर हमें सावधान रहना होगा। मुझे जंगल के बाकी जानवरों की चिंता हो रही है। ओए, समझ गया। हम दोनों साथ में उस शिकारी को पकड़ सकते हैं, फिर हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। अरे हाँ लक्का, मुझे याद है उसने मुझे अपनी टॉर्च उधार में दी थी, लेकिन याद नहीं आ रहा कि लक्का दिया। मास्टर, जल्दी उठ जाओ मिस्टर बिल्ला, काम करने का वक्त हो गया। मास्टर, हम रात में क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल सही वक्त है, सारे जानवर अभी सो रहे होंगे, हमें और पत्थर ढूंढने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, और फिर इतने सालों बाद मेरा सपना पूरा होगा। मैं आखिरकार मेरा मॉन्स्टर बॉट का सपना पूरा कर लूंगा। बहुत बहुत बधाई हो करमचंद, मॉन्स्टर बॉट बनाने के लिए तुम्हें पहला इनाम दिया जाता है। हो गया। मैं अमीर होने वाला हूँ। भाई, तुम्हें क्या लगता है कि शिकारी कहाँ होगा? उसे जंगल के बीचों बीच देखा गया था। हमें कुछ मिला, आगे चलते हैं। चलो मास्टर, आसपास कोई नहीं है, हमें आसानी से मिल जाएगा। सही कहा तुमने, मैं बहुत तेज हूँ। हाँ मास्टर। कौन है वहाँ? एक लैंप, ये यहाँ क्या कर रहा है इतने घने जंगल में? भालू, भालुओं को टॉर्च इस्तेमाल करना कैसे आता है? तो तय रहा, मैं इन्हें पकड़ूंगा। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है भाई, मुझे लगता है शिकारी घर चला गया होगा। आ जाओ, पहुंच ही गए हो। यही मौका है। ये रस्सी यहाँ पर क्या कर रही है? मैं बस उन्हें पकड़ने ही वाला था, इस लैंप ने सब बर्बाद किया। ओए रुको, जरा देखने दो। अब तो कुछ करना ही होगा। ये तो शिकारी है। ओ वहीं रुक जा। मेरे लिए रुको। देखो वो रहा। मैं उसे पकड़ने ही वाला था, तभी लाइट जल गई। ये लैंप आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहा है? ये जंगल सच में अजीब है, मुझे जाना चाहिए। ये लैंप आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? कोई तो बचाओ मुझे। आवाज तो यही कहीं से आ रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल सन्नाटा है। शिकारी यही कहीं होगा, मैं ढूंढता हूँ। वो भालू फिर से आ गए, इस बार पकड़ लेता हूँ। हाँ? ये आखिर के
किसने किया? मास्टर। करमचंद, तुम यहाँ से? तुम लोग क्या कर रहे हो? एक इंसान। तुम जादुई पत्थर ढूंढ रहे हो ना? तुम लोगों से मतलब? ये तो शिकारी है। भाई, ये लैंप उसका पीछा क्यों कर रहा है? कहीं वो। चलो। वहाँ बस खड़े मत रहो, मेरी मदद करो। चलो वो पत्थर हासिल करे। बचाओ! मैं वादा करता हूँ मेरे यहाँ कभी नहीं आऊंगा। हटो, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो मेरा पत्थर है, जल्दी आगे बढ़ो। मुझे नहीं लगता कि हम उसे पकड़ पाएंगे। इस तरफ से रास्ता नजदीक है। मेरे पीछे आओ डब्लू। मैं दोबारा कभी शिकार नहीं करूंगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो। उस आदमी को रोकना होगा, तभी वो लैंप रुकेगा। आखिर सब हो क्या रहा है? क्या तुम भी शिकारी हो? ये चिपचिपा सा क्या है? वहीं रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। वो पत्थर मेरा है। मास्टर, आपका निशाना गलत कैसे हो गया? उस बात को छोड़ भी दो, जल्दी करो, मुझे वो पत्थर चाहिए। मैंने देख लिया। जो बोले सो निहाल। कितनी ज्यादा रोशनी है। ओए डब्लू, करमचंद को हम जाने नहीं दे सकते। ठीक है, मैं इसे वापस कर दूंगा। मैं मर गया। अरे कोई लाइट बंद करो। बबलू, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। ओए करमचंद, नीचे उतर। अरे नहीं, ये चट्टी मुझे बहुत प्यारी है। बबलू, मुझे बबलू, मेरी मदद करो। मुझे वो पत्थर चाहिए। ओए, मेरे पास और एक पत्थर आ गया। अरे नहीं, अब मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा? मैं मदद नहीं करने वाला। मिस्टर बिल्ला, मेरी मदद करो। मिस्टर बिल्ला। एक और पत्थर हमारा हुआ। आखिर मैं तुम लोगों तक पहुँच ही गया। सुनो भाई, मैं कैसा लग रहा हूँ? वो पत्थर मेरा है। जब मैं अपना मॉन्स्टर बोर्ड बना लूंगा, फिर देखता हूँ कौन हंसता है। ओए डब्लू, लैंप को यहाँ से ले चलते हैं। अरे वो वापस दो। ए, हेलो, उठो, क्या हुआ? तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम छोटी लो? प्लीज मेरी मदद करो, यहाँ बहुत सारे भालू हैं। हाँ मैं मानता हूँ मैं शिकारी हूँ, लेकिन यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। क्या कहा, तुम एक शिकारी हो? हाँ मैं हूँ, मतलब कि था। सुनो, ये जगह बहुत डरावनी है। एक स्ट्रीट लैम्प मेरा पीछा कर रहा था, भालू टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक अजीब सा आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ था। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? क्या ये सामान तुम्हारा है? हाँ ये सब कुछ मेरा है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। भाई, मैंने शिकारी के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। ओए बहुत अच्छा डब्लू, सुबह होते ही मैं लखा के साथ इसे ठीक कर दूंगा, तो जंगल में रोशनी हो जाएगी, तो हम अच्छे से नजर रख पाएंगे। सॉरी मास्टर, बेहोशी के कारण देरी हो गई। आगे से ध्यान रखना। हाँ मास्टर। हाँ, मैंने फिर से एक जादुई पत्थर खो दिया। मास्टर, ये सब चीजें आखिर मेरे साथ ही क्यों होती है? ये गड्ढा किसने खोदा? मास्टर अब ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मास्टर, आपका वजन बहुत बढ़ गया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? यस। मास्टर, मेरी बैटरी। मेरी इतनी किस्मत क्यों खराब है?